संतों के साथ। सभी को जय शु। प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को माता कलीसिया संत पॉल मिक्की और उनके साथी शहीदों का पर्व बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाती है। संत पॉल मिक्की का जन्म 1562 ईस्वी में हुआ था। वे बहुत ही धनी परिवार से थे और उनके पिता सैनिकों के बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध नेता थे। जब वे 5 वर्ष के थे तभी उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु येसु को पूरे तन मन से स्वीकार किया और जब वे 22 वर्ष के हुए तब उन्होंने येसु समाज में प्रवेश कर स्वयं को प्रभु येसु की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। वे जापान में प्रभु येसु के बारे में लोगों को बताए। जब वे प्रभु येसु के बारे में लोगों को बता रहे थे और उनकी शिक्षाओं को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे थे, इस कारण उन्हें अनेक यातनाओं और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसी के कारण उन्हें शहीद होने का भी मौका मिला। प्रभु येसु को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के कारण वे अन्य 25 साथियों के साथ पहाड़ पर शहीद हुए। कहा जाता है और माना जाता है कि उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर क्रूस पर लटकाया गया था और उन्हें एक भाला भोंक दिया गया था। जब वे क्रूस पर टंगे हुए थे उन्होंने प्रभु येसु के समान दूसरे लोगों को जो उन्हें सता रहे थे उन्हें क्षमा कर दिया और अपने आप में बहुत ही खुशी का अनुभव किया। उनके साथी 25 जो शहीद हुए उनमें से 3 बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहले हैं पॉल मिक्की, दूसरे हैं कोटा के संत योहन और तीसरे हैं कसाई के संत याकूब। इन तीनों ने अपने प्रेरणादायी जीवन से दूसरों को बहुत प्रेरणाएं दी और अनेक लोगों को प्रभु येसु की ओर उन्मुख किया। जिस पहाड़ पर इन 26 शहीदों को शहादत मिली वो पहाड़ आज भी शहीदों का पहाड़ माना जाता है और कहा जाता है। सन 1597 में 5 फरवरी को इन 26 व्यक्तियों को उस ऊंचे पहाड़ पर क्रूस पर लटकाकर मारा गया। लेकिन इसमें बड़े सौभाग्य और खुशी की बात यह है कि उन्होंने क्रूस पर से भी अपने सताने वालों को क्षमा कर दिया और यह कहा कि हम अपने आप में बहुत ही खुशी और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आज माता कलीसिया जब इन महान संतों का पर्व मनाती है तो हमें भी इनके जीवन से प्रेरणा पाकर अपने आप को प्रभु येसु के सुसमाचार प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत रहना चाहिए। संत पिता पीयूष 9वें ने इन्हें संत घोषित किया।